हमीरपुर के जंगलवैरी के गांव कुडाणा के व्यक्ति की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। करीब 2 महीने पहले हुई पति की मौत को दुर्घटना नहीं मानते हुए डीसी हमीरपुर से इस मामले में हस्तक्षेप कर जांच करने की मांग की है। हमीरपुर के जंगलबैरी के गांव कुडाणा के व्यक्ति की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। करीब 2 महीनों पहले हुई पति की मौत को दुर्घटना नहीं मानते हुए डीसी हमीरपुर से इस मामले में हस्तक्षेप कर जांच करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार जिला के मिंटू कुमार की चंडीगढ़ से नादौन आते समय नादौन बस अड्डे पर अचानक ही बेहोश होने पर मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने भी मामले की जांच की थी, लेकिन इस मामले में कुछ पता नहीं लग सका था कि मौत कैसे हुई थी, जिस पर पिछले 2 महीनों से परिजनों ने पुलिस के चक्कर लगाकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का रवैया भी ढीला होने के कारण परिजनों ने अब डीसी हमीरपुर से मामले की जांच करवाने की मांग की है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चे छोड़ गया है। मृतक के भाई रवि कुमार का कहना है कि मेरे भाई मिंटू कुमार की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और अचानक ही बस अड्डे पर मौत होने से परिवारजन भी हैरान है। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने भी लीतापोती ही की है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया था, जबकि मृतक के शरीर पर कई जगह पर जख्म के निशान पाए गए थे। उन्होंने बताया कि अब डीसी हमीरपुर से मामले में न्याय की गुहार लगाई जा रही है। मेरा नाम जी रवि कुमार है, जंगल वैरी कुडाणा। जी सर, मिलना चाहता हूँ। क्या मामला, क्या था ये बताओ। मामला सर ऐसा है कि मेरे ब्रदर डेथ हुई 27 जून 2019 मेटोर बस स्टैंड। वो थी ना सारा कुछ, मतलब जिस टाइम जो अहाँ जो सर है, मतलब जिस टाइम डेड बॉडी के गए, मतलब भाई जी ब्रदर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अहाँ जो कोई मतलब ना लेट इन्फॉर्मेशन दी पुलिस वाले ने, तो अहाँ गुमराह करने की कोशिश की थी सारे। अहाँ कुछ गल पता नहीं, एक्चुअली जो गिरने के कारण उसकी मौत हुई थी, तो सारा कुछ इनके 1.5 घंटे बाद मौत हुई उसकी। तो हमें बोला कि मतलब इसकी मौत जो मतलब हार्ट अटैक की वजह से हुई है, तो हमें नहीं पता कैसे मौत हुई है इसकी, या बस से गिरा है, या चोट बाथरूम में चोट लगने के कारण, या चोट लगने के कारण इसकी मौत हुई है। तो डॉक्टर ने मतलब हमें ऐसा कुछ नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने बता दिया कि हार्ट अटैक है आपका। हालांकि हार्ट अटैक होता तो हमें पता होता है कि साइलेंट भी होता था भी उसको, हमें 1 घंटे बाद मौत नहीं होनी थी। अगर दूसरा हार्ट अटैक होता तो वो डॉक्टर के पास गया, कुछ पीछे चाहे चोट लगी उसने डॉक्टर साहब को बताया, मैं दोनों बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर वहाँ पे उसने पानी पिया, सारा कुछ किया। तो अब क्या डिमांड है आपकी? अब डिमांड है कि सारा केस जो है ओपन किया जाए और मतलब इंक्वायरी जो है ना, तो सारी इंक्वायरी की जाए। अब परिवार में कौन कौन है उसके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, छोटे छोटे हैं। ये क्या काम करते हैं चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में प्राइवेट जॉब करता था ये, और चाचा को देखने आ रहा था अपने, चाचा बीमार थे उसकी जांच सेम डे, उनकी भी सेम डे डेथ हो गई। पुलिस की क्या कार्रवाई? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी ना, बस स्टैंड का मुआयना किया ना कुछ किया ना कुछ किया।